राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। 26 दिसंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। सुबह 8 बजे से ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 10:57 तक रहेगा। और आपको ये बता दें कि सूतक 12 घंटे पहले यानी कि 25 दिसंबर की रात लगभग 8 बजे से शुरू हो जाएंगे। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पड़ रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ग्रहण के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिन क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां रहने वाले लोगों को ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी की वजह से इन चीजों पर ग्रहण का असर नहीं होता है। ग्रहण से पहले पका हुआ भोजन ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए। ग्रहण काल में पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। इस समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है तो गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। ग्रहण काल में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय बने संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रहण के समय मंत्रों का मानसिक जाप करना चाहिए। मानसिक जाप यानी धीरे धीरे अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। गाय को हरी घास खिलाएं, दान पुण्य करें, अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।